हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। यूपी बोर्ड ने आज आपका हाई स्कूल इंटर का रिज़ल्ट आउट कर चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आशा करते हैं कि आप सभी ने अपना रिज़ल्ट देख चुका होगा। तो फ्रेंड्स, यहां पे आपका एक स्टूडेंट का मार्क्स डिटेल है, इसमें आपको प्रतिशत निकालना बताएंगे कि आप अपना जो मार्कशीट है उसको देख के आप कैसे पता करेंगे कि आपने कितना अंक प्रतिशत में प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक स्टूडेंट का डिटेल है, ये मार्क्स डिटेल है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपका ये सब्जेक्ट दिया है कि आपने, देखिए यहाँ पे आपको पहले डिटेल दिखा देते हैं। देखिए ये सब्जेक्ट हिंदी है, मैथ है, इस इंग्लिश, जैसे से साइंस, एस सी से सोशल साइंस और आर्ट से मतलब आपका कला है। इसके जगह कोई और सब्जेक्ट भी हो सकता है। फ्रेंड्स, थ्योरी के जो सब्जेक्ट होता है आपका 70 नंबर का पेपर होता है। थ्योरी है कि आपने 70 में से 53 अंक हिंदी में प्राप्त किया और 70 में से 52 अंक मैथ में प्राप्त किया, 70 में से 53 अंक इंग्लिश में और 70 में से 49 अंक साइंस में और 70 में से 53 अंक सोशल साइंस और 70 में से 55 अंक कला में। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल आपके स्कूल की तरफ से मिला होगा नंबर, जो कि 30 30 30 30 30 और 29, इसको बहुत अच्छा नंबर मिला है इस स्टूडेंट को कॉलेज की तरफ से। देखिए टोटल मार्क, यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल को जोड़ के ये टोटल मार्क दिया है कि आपने हिंदी में 83 अंक प्राप्त किया, मैथ में 82, इंग्लिश में 83 और साइंस में 79 और सोशल साइंस में 83 और कला में 84 और ये आपका ग्रेड है। तो फ्रेंड्स, ये आप तो अभी तक देख चुके होंगे अपना रिजल्ट देखने के बाद। फ्रेंड्स, आपको मेन मुद्दा है कि आपको बताना है कि प्रतिशत कैसे निकलेगा। तो फ्रेंड्स, जो प्रतिशत निकालना होता है तो पहले आप क्या करेंगे, जो टोटल मार्क होता है पहले उसको जोड़िए, जैसे 83 82 83 और 79 83 और 84 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना होगा। जब इसको आप जोड़ेंगे फ्रेंड तो आपका 494 आएगा। ठीक है, आप इस तरह अपना रिजल्ट जोड़ लीजिएगा कि टोटल मार्क कितना आया, आपका 494 आ गया। तो फ्रेंड्स, जब 494 आ गया इसको प्रतिशत में बदलना है। तो फ्रेंड्स, देखिए ये हाई स्कूल का रिजल्ट, इसलिए कि हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है और यदि आप इंटर का निकालना होगा तो इंटर का 5 सब्जेक्ट को होता है। तो टोटल मार्क बस ध्यान देना है, चलिए इसको प्रतिशत में बदलते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए आपका पूर्णांक क्या होता है कि हाई स्कूल में 600 नंबर का होता है। ठीक है, यदि हाई स्कूल में पूर्णांक 600 नंबर का होता है और जो ये 494 टोटल नंबर आया है ये आपने प्राप्त किया है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो टोटल मार्क आपने प्राप्त किया है उसको आप क्या कीजिएगा, अंश में लिखिए। कहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स, अंश में लिखिएगा। और फ्रेंड्स, जो टोटल पूर्णांक आपका होगा, यानी कि कितना, यानी कि हाई स्कूल में 600 है तो 600 रखिए, यदि आपको इंटर का निकालना होगा तो 600 की जगह पे 500 बस रखिएगा। ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दीजिएगा। अब इसी को हल कर लीजिएगा, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा। अब फ्रेंड्स बच रहा है 6, अब जब 6 का भाग 494 देंगे, देखिए 6×6 8 बढ़ जाएगा 42, फिर इसके बाद देखिए 83.33, यानी कि 6 का भाग जब 494 देंगे 83.33, ये जो 83.33 आ रहा है फ्रेंड्स यही आपका प्रतिशत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं कि आपने 83.33 प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप किसी भी, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, उसका आप यदि पूर्णांक पता है और उसमें से टोटल नंबर आपने कितना प्राप्त किया है, यदि ये चीज़ पता है तो आप आसानी से अपना प्रतिशत अंक निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।